संजीव जीवा गैंग का कुख्यात सदस्य गिरफ्तार। अनिल उर्फ पिंटू ने ही कराई थी मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय के डीन पर हमला। प्रेमिका के कहने पर अनिल बालियान ने दी थी डीन की सुपारी। कुख्यात शूटर ने खोली डीन पर हमले के गुत्थे के राज। मंगलवार को शामली के थाना भवन पुलिस ने संजीव जीवा गैंग के शूटर अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अनिल उर्फ पिंटू के पास से आधुनिक AK-47 और 1300 से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। लेकिन अनिल उर्फ पिंटू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जो शायद अगर अनिल उर्फ पिंटू गिरफ्तार नहीं होता तो कभी पता ही नहीं चलता। दरअसल अनिल उर्फ पिंटू की गिरफ्तारी के बाद मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के डीन राजवीर सिंह पर हुए हमले की सच्चाई भी निकल कर सामने आ गई। आपको बता दें, अनिल उर्फ पिंटू वही है जिसने कृषि विश्वविद्यालय के डीन राजवीर सिंह पर हमला करवाया था। हमला जरूर अनिल उर्फ पिंटू ने करवाया था, लेकिन हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड कोई और था और इस हमले के पीछे भी एक गहरी साजिश थी। आपको मामला शुरू से समझाते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत साल 2013 में हुई थी, जब कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल के साथी अनिल बामडोली की हत्या कर दी गई थी। धर्मेंद्र किरठल को शक हुआ कि अनिल बालियान उर्फ बंजी ने मुखबिरी कर दी है, जिसकी वजह से उसके साथी अनिल किरठल का मर्डर हुआ है। और तभी से धर्मेंद्र किरठल और अनिल बालियान उर्फ बंजी के बीच दुश्मनी शुरू हो गई और धर्मेंद्र किरठल से बचने के लिए अनिल बालियान ने संजीव जीवा गैंग से हाथ मिला लिया और फैजाबाद जेल में बंद अनिल बालियान ने संजीव जीवा से AK-47 हथियार और 1300 कारतूस मंगवाए थे। इसी बीच पता चला कि अनिल उर्फ पिंटू ने अपने साथी शूटर आशु चड्डा से मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय के डीन राजवीर सिंह पर हमला करा दिया और आज अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इस कहानी में भी उतना ही सस्पेंस है जितना किसी हिंदी फिल्म में होता है। दरअसल अनिल उर्फ पिंटू अनिल बालियान के भाई सुनील के साथ पढ़ाई करता था। तभी अनिल उर्फ पिंटू की मुलाकात अनिल बालियान से हुई और दोनों दोस्त बन गए और अनिल बालियान ने अनिल उर्फ पिंटू को राजवीर सिंह के हत्या की सुपारी दे दी। ये पूरी गुत्थी किसी फिल्मी कहानी की तरह है। दरअसल राजवीर सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के डीन है, जबकि उसी कॉलेज में आरती भटेले प्रोफेसर हैं। आपको बता दें, आरती भटेले और अनिल बालियान के प्रेम संबंध बताए जाते हैं और आरती भटेले ही डीन राजवीर सिंह की हत्या करवाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर राजवीर सिंह रास्ते से हट जाता है तो वो डीन बन जाएगी। इसीलिए आरती भटेले ने अपने प्रेमी अनिल बालियान को डीन राजवीर सिंह की हत्या करने के लिए लालच दिया। आरती भटेले ने अनिल बालियान से कहा कि अगर वो राजवीर सिंह की हत्या करवा देता है तो वो उसकी बेटी को उसी महाविद्यालय में नौकरी लगवा देगा। आरती भटेले के कहने पर उसके लालच देने पर अनिल बालियान उर्फ बंजी डीन की हत्या कराने के लिए तैयार हो गया और उसने अपने साथी अनिल उर्फ पिंटू को राजवीर की हत्या करने की सुपारी दे दी। इसी बीच अनिल उर्फ पिंटू की मुलाकात आशु चड्डा से हुई और उसने आशु चड्डा को राजवीर की हत्या करने को कहा, जिसके बाद आशु चड्डा ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजवीर पर हमला कर दिया। 11 मार्च की शाम जब राजवीर सिंह कॉलेज से अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी को रोककर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया, हालांकि उनकी जान बच गई। बहरहाल मामले की पूरी परत खुलने के बाद पुलिस अब अनिल बालियान को भी आरोपी बना रही है और मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी, जबकि इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड आरोपी प्रोफेसर आरती भटेले फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आरती भटेले कब तक गिरफ्तार होती है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।